आगामी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक की सीटें बढ़ने के साथ ही 10 साल बाद निचले सदन को विपक्ष का नेता भी मिलेगा। साथ ही विपक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव की भी उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 17वीं लोकसभा में 5 साल तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा। साथ ही ये दूसरी बार था जब सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आमतौर पर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। विपक्ष के एक नेता का कहना है कि वो इसके लिए सदन में दबाव बनाएंगे कि इस बार उपाध्यक्ष का पद खाली न छोड़ा जाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने एक दिन पहले ही कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। त्यागी ने कहा कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए में हैं। हम बीजेपी द्वारा नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे। उनसे कुछ विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था कि नया लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी या जेडीयू से हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। टीडीपी जेडीयू दोनों साथ हैं। हम बीजेपी द्वारा जो भी नाम सामने आएगा स्पीकर के लिए उसका समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने इधर सोमवार को एनडीए के घटक टीडीपी और जेडीयू से सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों पार्टियों में से एक हो। आपने कहा कि ये उनके साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में होगा। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बुधवार को आरोप लगाया कि अगर भाजपा लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो उसके गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए तैयार रहना चाहिए।